₹10,000 के लिए मायके में आप मेरा नाक कटवाओगे? अरे ये अच्छा लगता है क्या? अरे दे दो पैसे, दे दो। अरे सुंदर इतने पैसे बेचा फिर भी पैसा कंधे रहता, और सुंदर मामा का सगन भी मैं तुम नहीं बेचेंगे तो और क्या करेंगे? अरे मैं तो हमेशा पांचा फिर गई तो हमारे अधिकार है तो फिर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा ना। जूटा भाई, आपका कोई एड्रेस पूछ रहा है। ये लीजिए। क्या है भाई? मैं अहमदाबाद से छोटेलाल पतंग वाले के यहाँ से आया हूँ। ये पतंग और फिरकी आपके लिए भेजा है। लेकिन हमने को ऑर्डर नहीं दिया है भाई। आपने नहीं, वो आपके अहमदाबाद वाले साले सुंदर भाई है ना, उन्होंने भेजा है। क्या? मेरे वीरा ने पतंग और फिरकी भेजी है? वीरा! लाओ भाई लाओ। पैसा दिया है के? नहीं, वो आपसे लेने के लिए बोला। वो फिक्स है। बराबर कितना हुआ? ये लीजिए। पतंग फिर किया 8,000। 8,000? ठीक है चलो, त्योहार है। ठीक है, ट्रेन टिकट 1800। ये क्या? मेरे आने जाने का 1800। सेकंड एसी में है ना? क्यों? वो क्या है ना कि चालू डब्बे में आदमी के कपड़े फट जाते तो पतंग क्या चीज है, संभल के लाना पड़ता है ना। और ये क्या 200 काई का लिखा है? मेरे खाने का। तो खाना भी खाते हो? जी। 8,000, 1,800, 9,000, 8,000, 10,000। राउंड फिगर कर दिया है। मेरे वीरा ने पतंग फिर के भेजी। एक काम करो भाई, नहीं चाहिए वापस लेके जाओ। क्यों? वापस क्यों भेज दे? अरे 10,000 चुकाने इसके। हाँ आपको तो बस पैसे दिखते हैं, मेरे भाई सुंदर ने इतने प्यार से ये भेजा है ये नहीं दिखता है। 10,000 के लिए मायके में आप मेरा नाक कटवाओगे? अरे ये अच्छा लगता है क्या? अरे दे दो पैसे, दे दो। अरे सुंदर इतने पैसे भेजा फिर भी पैसा कंधे रहता, और सुंदर मामा का सगन भी मैं तुम नहीं भेजेंगे तो और क्या करेंगे? अरे मैं तो हमेशा पांचा फिर गई तो हमारे अधिकार है तो फिर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा ना। 10,000 पूरे है भाई। ये लेटर दे। जाओ आप जाओ। मेरी प्यारी बहना, ये पतंगे और फिरकियां भेज रहा हूँ, कैसे लगे बताना? बहुत जोर के लगे। और टप्पू को कहना कि उसके मामा ने बड़े प्यार से और स्नेह से उसके लिए पतंगे और फिरकियां भेजी है। टप्पू, टप्पू बेटा, अरे अहमदाबाद से तुम्हारे सुंदर मामा ने पतंगे और फिरकियां भेजी है, जिसके पैसे तुम्हारे बाप ने चुकाए हैं। चलो मैं तुम्हें पतंग दिखाता हूँ। चलो। अरे ये देखिए, माने आपके लिए तिल के लड्डू भेजे। तो चेक करना साथ में हथौड़ी भेजी है कि नहीं, क्योंकि बिना हथौड़ी से तोड़े तुम्हारे माँ के हाथ के लड्डू मैं नहीं खा सकता। दुकान जा रहा हूँ। फोन करना तो सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा सुनो, जय जिनेंद्र। अरे बेटा लो,